ये देखिए लैंप है, ये बहुत ही अच्छी तरीके से, ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, ये देखिए। तो इसे कैसे बनाते हैं, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी, आदित्य क्रिएटिव में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको एक लैंप बनाकर दिखाने वाला हूं, तो किसे बनाते हैं चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक बात ध्यान में रखनी है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑल पर सेट करना है, क्योंकि हमारी जो भी नई वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो हमें इस लैंप को बनाने के लिए आपको एक मिनी फोकस लगने वाले, मुझे 5 रुपए पर पीस मिला है, और यहाँ पर कुछ पीवीसी पाइप की शीट बना लिए है मैंने, और उसके टुकड़े करके इस तरीके से ले लिया और इसको मैंने छेद कर दिया है। तो एक फेविक्विक लगने वाला है आपको, फिर बाद में एक ऑन ऑफ स्विच, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको 3 रुपए में एक मिल जाएगा। कुछ टूथ पिक के मैंने स्टिक कट कर लिए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और फिर बाद में आपको ये 6 वोल्ट की डीसी बैटरी लगने वाली है, और फिर बाद में एक इस तरीके का बॉक्स लगने वाला है कलर का। तो इसे बनाने के लिए हमें इस पीवीसी पाइप की शीट जो बना रही थी हमने, उसको इस स्टिक में डाल देना है, फिर बाद में दूसरे वाली इसको इसके अंदर डाल देना है। सो गाइज, यहाँ पर मैंने ये अच्छी तरीके से चिपका लिया, और ये लास्ट वाला जो है हमें क्या करना है, इस स्टिक को इसके अंदर इस तरीके से डाल देना है। इसे नीचे रख देता हूँ, फेविक्विक को इस तरीके से अच्छे तरीके से अंदर डाल देना है। इसे डालने के बाद हम इसे फेविक्विक लगा देंगे, अच्छे तरीके से चिपकाना है दोस्तों हमें। और फिर बाद में ये जो हमारा लास्ट वाला पीस है, इसे इसका जो होल है जरा छोटा हो गया है, तो मैं इसे बड़ा कर देता हूँ दोस्तों। सो गाइज, इसमें आपको लगा देना है, और एक बात ध्यान में रखनी है, अच्छी तरीके से चिपकाना नहीं है इसे, ये मूव हो इस तरीके से आपको लगा देना है। तो आप देख सकते हैं इजीली मूव हो रहा है और निकलता भी नहीं है। तो ये जो बाकी की स्टिक है मैं इसे कट कर देता हूँ, और ये हुआ हमारा रेडी लैंप हो गया है। यहाँ पर ये मूव हो सकता है, तो हमें इसे नीचे चिपकाने के लिए एक और पीवीसी पाइप की एक छोटी स्टिक लेंगे और इसे इस तरीके से अंदर चिपका देंगे। तो चलिए चिपका देते हैं। सो गाइज, उससे पहले आपको क्या करना है, ये जो इसका ढक्कन है इसे निकाल लेना है दोस्तों। तो मैं इसे निकाल देता हूँ। सो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसका ढक्कन निकाल लिया है। फिर बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पर हमें इस तरीके से छेद कर देना है, तो मैं इसे कैंची से छेद कर देता हूँ। सो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से इसको छेद कर दिया है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने बनाया था मैंने इसे क्या कर दिया, बाहर से टेप लगा दिया, निकले ना और अच्छे तरीके से घूमे। तो हम क्या करना है, इसको इसके अंदर इस तरीके से डाल देना है, और ये जो स्टिक नहीं रहता है मैं इसे नीचे से ही डाल देता हूँ। ये देखिए इस तरीके से आपको इसके अंदर डाल देना है। तो अब क्या करना है, अब हम इसे नीचे चिपका लेते हैं। तो सबसे पहले हमें इसके अंदर यहाँ पर कुछ फेविक्विक लगा देना है, और मैं इसके अंदर चिपका देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे चिपका देता हूँ, और मैं इसके सेफ्टी के लिए ऊपर से टेप लगाने वाला हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से मैं इसे टेप लगा दूंगा। अब हमें क्या करना है, ये जो पार्ट है ये हमें इसके अंदर इस तरीके से लगा देना है। सो गाइज, यहाँ पर ये जो है हमें इस तरीके से घुमा लेना है, क्योंकि अगर हम इसे लगा भी दे तो इस तरीके से हम इसका ढक्कन जो है इस तरीके से लगा दें। ये देखिए इस तरीके से, तो जो नीचे का जो पार्ट है दोस्तों वो उल्टी तरफ से लग गया है, तो मैं उसे जाने दूंगा वैसे ही, और इस वाले पार्ट को मैं इसके ऊपर इस तरीके से चिपका दूंगा। तो मैं यहाँ पर फेविक्विक लगा देता हूँ, आप ग्लू गन से भी चिपका सकते हैं। तो ये फेविक्विक से बहुत ही अच्छे तरीके से चिपकेगा दोस्तों। तो मैं इसे इस तरीके से लगा दूंगा, ये हिले ना इसलिए। तो गाइस, अभी ये हिल रहा है, तो मैं इसे बहुत अच्छी तरीके से चिपकाने वाला हूँ। अब ये मुझे लगता है अच्छी तरीके से चिपक गया है, तो मैं इसे ग्लूगन से भी चिपकाने वाला हूँ दोस्तों। सो गाइस, ये फेविक्विक से बहुत अच्छी तरीके से चिपक गया है, लेकिन मैं इसके सेफ्टी के लिए इसे ग्लूगन से चिपकाने वाला हूँ। तो दोस्तों, हमने ये पीवीसी के पाइप की जो स्टिक लगाई थी यहाँ पर, जो छोटी स्टिक थी, उसका भी बहुत अच्छी तरीके से फायदा हो, अगर हम इसे नीचे चिपकाते तो ये चिपकता नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पर लगाया था। मुझे लगता था यहाँ पर हम इसे लगा देते, लेकिन ये जो हमारी जो स्टिक थी वो उल्टी हो गई थी, इसलिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से चिपका दिया। तो यहाँ पर अब हमारी ग्लूगन गर्म हो रही है, तो यहाँ पर अब हम इसे चिपका लेते हैं। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे ग्लूगन से अंदर से चिपका दिया है, आपको दिख रहा है क्या। इसे चिपकाने के बाद अब हम क्या करने वाले हैं, जो हमारी बैटरी है उसे भी हम चिपका देते हैं। तो यहाँ पर हम इसे इजीली चिपका देंगे दोस्तों। सो गाइस, मैं इसकी जो बैटरी है ये चार्ज भी कर सकते हैं, इसलिए मैंने चार्जिंग की बैटरी यूज़ की है। ये जो है ज़रा ऊपर ले लेता हूँ मैं। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बैटरी लगाकर इसकी जो वायर है वो निकाल ली है, और इसे हम इस तरह से पैक कर देंगे। तो अब ये जो यहाँ पर स्विच है मैं इसे फेविक्विक के द्वारा चिपका लूँगा दोस्तों। तो ये जो फेविक्विक है वो खत्म हो चुका है, मैं इसे ग्लू गन से भी चिपका लूँगा दोस्तों। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे यहाँ पर एक स्विच लगा दिया है ऑन ऑफ के लिए। तो ये जो है ये जो वायर है यहाँ पर हम लगा देंगे। तो चलिए लगा देता हूँ, तो मैं इसे वायर कटर से छील लूँगा, और इस वायर को हम यहाँ पर लगा देते हैं। और जो ये जो फोकस है इसे हम यहाँ पर इस तरीके से चिपका लेंगे, और इसके वायर यहाँ से निकाल लेंगे।
तो सबसे पहले हम इसकी वायर जो है उसे निकाल लेते हैं दोस्तों, और इसे इस तरीके से हम यहाँ पर चिपका लेंगे। यहाँ पर भी इस तरीके से भी आप चिपका सकते हैं, मैंने इस तरीके से चिपकाया है दोस्तों। तो गाइज हमारा लैंप बनकर रेडी हो चुका है, इसका मैंने वायर कनेक्शन कर दिया है, तो अब हम इसे टेस्ट कर लेते हैं अंधेरे में। तो चलिए टेस्ट करते हैं। सो गाइज मैं इसको चालू कर देता हूँ अब। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा है, इसकी जो बैटरी लो है इसलिए कम इसका ये अंधेरा दिख रहा है। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से दिख रहा है। अरे यार इसकी बैटरी जो लो है इसलिए ये काम नहीं कर रहा दोस्तों। सो गाइज कैसी लगी वीडियो, पसंद है तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।